Hello students, today we discuss about the fisheries. What is fisheries? Fisheries kya hoti hai? Fisheries, an organized effort of men to catch the fish and other aquatic species is known as fisheries. एक मनुष्य का एक सुसंगठित एक प्रयास होता है मछलियों को पकड़ने, मछलियों अथवा अन्य जलीय जीवों को पकड़ने का एक सुसंगठित प्रयास होता है जिसे फिशरीज के नाम से जाना जाता है. फिशरीज दूसरी जो डेफिनेशन है वो है एक्सप्लोइटेशन ऑफ वाटर फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर इज नोन एज फिशरीज. यानी जल का मनुष्य के कल्याण के लिए दोहन फिशरीज कहलाता है. कल्चर ऑफ फिश अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इज कॉल्ड एज पीसी कल्चर और फिश कल्चर. द फिशरी साइंस एक्सप्लोर द इंटरेक्शन अमंग फिश एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बींग. एक ट्राइंगुलर इंटरेक्शन है जो फिश एनवायरमेंट और ह्यूमन बींग के अंदर होता है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री, फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. संसार में दूसरे नंबर पर आता है मछली उत्पादन में हिंदुस्तान का नाम. कैलकटा इज द लार्जेस्ट फिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया. और इंडिया में भी कैलकटा दूसरे नंबर पर आता है. ऑन द बेसिस ऑफ कैप्टिविटी फिशरी कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स. नंबर वन इज इनलैंड फिशरीज. इनलैंड फिशरीज मीन्स द फिश रिलेटेड एक्टिविटीज अंडर अ विसिनिटी ऑफ नेशन इज कॉल्ड इनलैंड फिशरीज. किसी राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत जो भी फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं जो की जाती हैं उसे इनलैंड फिशरीज कहा जाता है. इंडिया इज ब्लेस्ड विद ए वास्ट इनलैंड वाटर रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ रिवर्स, एशरीज, लेक्स, पॉन्ड्स, ब्रैकिश वाटर, इम्पाउंडमेंट यानी कन्फाइंड वाटर, रुका हुआ जो पानी है उसे कन्फाइंड वाटर कहते हैं, मैंग्रोव वेटलैंड एक्सेट्रा. ये हिंदुस्तान में खूब संख्या में पाए जाते हैं. दिस लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड एंजॉइंग कोस्ट लाइन. इसकी कोस्ट लाइन जो है 8041 किलोमीटर लंबी है. इनलैंड वाटर बॉडीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज एक्सटेंडिंग टू ए लेंथ ऑफ 29,000 किलोमीटर इन द कंट्री. मराइन फिशरीज, फिशिंग एक्टिविटीज इन टू द मराइन वाटर यानी फिशिंग फिशरीज इन द मराइन वाटर इज कॉल्ड मराइन फिशरीज. इंडिया हैज एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन 8,041 किलोमीटर लेंथ एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. थ्रू इट ऑक्यूपाइड एन एरिया ऑफ 20.8% ऑफ द वर्ल्ड ओशियन. इट यील्ड्स ओनली 8.2% ऑफ द ग्लोबल कैच. मराइन फिशरी ऑफ द कंट्री हैव शोन ए स्टडी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा एंड टूडे कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 46% ऑफ द टोटल कैच ऑफ द कंट्री. मराइन जो है वो 46% टोटल कैच का 46% भाग बनाती है. तीसरी है कैप्चर फिशरीज. कैप्चर फिशरी रेफर टू ऑल काइंड ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल अक्रिंग लिविंग रिसोर्सेज इन बोथ मराइन एज वेल एज इन फ्रेश वाटर एनवायरमेंट. इन ब्रॉड सेंस कैप्चर फिशरी कैन बी क्लासिफाइड इन टू द इंडस्ट्रियल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल और आर्टिसनल एंड रिक्रिएशनल फिशरीज. दीज आर ऑल इन कैप्चर फिशरीज. कल्चर फिशरीज, फोर्थ वन इज द कल्चर फिशरीज. इज कल्चर फिशरी इन्वॉल्व्स द कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल विद इन द कंट्रोल्ड एनवायरमेंट फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन इज कॉल्ड कल्चर फिशरीज. डिफरेंस, कैप्चर फिशरीज फिशिंग इज द मेथड इन विच फिशेज आर कैप्चर डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी कैन कंपेयर द कैप्चर फिशिंग ऑपरेशन विद द हंटिंग ऑफ एनिमल्स. ऑन द अदर हैंड कल्चर फिशरीज विच इन्वॉल्व्स द कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन. तो इस प्रकार इन दोनों में ये डिफरेंस कर सकते हैं. उसके बाद में डिटेल अध्ययन करते हैं रिवराइन फिशरीज का. इंडिया के अंदर चलने वाली नदियों में जो फिशिंग इंडस्ट्री होती है, जो फिशिंग होती है, मत्स्य पालन होता है, मत्स्य मछली पकड़ना होता है, उसे रिवराइन फिशरीज कहते हैं. रिवराइन फिशरीज इज ए पार्ट ऑफ इनलैंड फिशरीज वेयर द फिशेज आर कैप्चर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द डिफरेंट रिवर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मैन मेड फिश क्राफ्ट एंड फिश गियर्स. The riverine industries, riverine fisheries, resources in India is immense as the large number of productive riverine system is present in India. Riverine fisheries of India comprises five major river system today. Ganga river system, Brahmaputra river system, Indus river system, East Coast river system and West river system. Ganga river system. First, they regarded as the largest river system of the world, measuring length about 8,047 kilometers. Origin from Gangotri, the Ganga originated from the Gangotri and the drained southern slopes of the central Himalaya, cover the Uttarakhand, UP,
Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, and finally in the way of Bengal. The main tributaries of Ganga are Ram Ganga, Gomti, Ghagra, Gandak, Kosi, Chambal, Betwa, and Ken rivers. Catchment area of the river is 9.7 lakh kilometer. Annual rainfall is about 625 millimeter to 1925 millimeter. Fisheries. Ganga river system supports a large number of commercially important fish species including major carp, minor carp, catfish, clupids, morels, mullets, featherback, freshwater eel and prawns. Major carps are the Levio rohita, Levio calabasu, Levio katla katla, Sirina mrigla. And the minor carps are Levio fimbriatus, Levio bata, Sirina riva. And catfishes are Velego attu, Mystes singala, Mystes or, Clarius betracus, Heteropneustes fossilis. And the featherback is Notopterus chetala and Notopterus notopterus. Morels are the Channa striatus, Channa punctatus and Channa merulius. And mullets are the Musial corsula, eel is the Angula angula, herring is Satipina fasa, clupids are Hilsa elisa and other Pangasius pangasius, Celonia celondia, Gaducia chapra, Bagasius bagasius or Eutropicthus vacha. Ye sari ki sari fishes wo Ganga nadi ke andar pakdi jati hain. Important edible fishes in India. The freshwater fish, ye hain katla katla, Levio rohita, Levio calabasu, Levio fimbriatus, Sirina mrigla, Sirina riva, Velego attu, Mystes singala, Mystes cavasius, Heteropneustes fossilis, Bagarius bagarius, Pangasius pangasius. ये एक लेवियो का चित्र है और नीचे वाला ये सिरिना मृगला का चित्र है जो इस प्रकार की दिखनी है मॉर्फोलॉजिकली. सिलोनिया सिलोंडिका, यूट्रोपिक्थिस वाचा, ये सारी की सारी एडिबल फिशेज हैं. ब्रैकिस वाटर फिश हैं. चैनोज चैनोज मिल्क फिश जिसे कहते हैं और म्यूजिल सेफेलस ग्रेमुलेट्स कहते हैं. लेटेस कैलकैरिफर. मराइन फिश में हिल्सा एलिसा इंपॉर्टेंट है. हार्पोडोन नेरुरस बॉम्बेडक जिसे कहते हैं वो स्ट्रोमेटियस है. सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स है, सार्डिन फिश जिसे कहते हैं. ये एल्यूथ्रिनोमा है, एंगुला एंगुला है. साइनोग्लोसस सेमी फेसिएटस ग्लास फिश जिसे कहते हैं. एक्जोटिस फिश जो बाहर से आती हैं और इंडिया में वो उसको कल्चर किया जाता है वो है टिंका टिंका, कैरेसियस कैरेसियस, टिलापिया मोजम्बिका, टिलापिया टिलापिया, साइप्रिनस कार्पियो, ऑस्परनिमस गोरामी. For the profitable fish culture, it is necessary to select such species of fish which can utilize the natural as well as artificial food. Effect of dam. अब ये dam जो बनाए जाते हैं rivers पर, उनका fisheries पर क्या effect होता है? Water obstruction of irrigation and power generation is perhaps the biggest reason for the problem of inland fisheries causing reduced or no flow of main channel to support the fisheries and other riverine fauna and flora. ये report है एक fisheries and aquaculture की 12 5-year plan की, इसमें ये बताया गया है कि water का रोका जाना ये सबसे बड़ी problem है inland fisheries के लिए. Dam project. The water quality slow moving or still reservoir can heat up resulting in abnormal temperature fluctuation which can affect the sensitive species. This can lead to the algal bloom and decreased oxygen level. Other dams increases the temperature by releasing cooled oxygen deprived water from the reservoir to bottom. ये 1961 से लेकर के और 1986 के बीच में ये डिक्लाइन जो इनलैंड फिशरीज का डिक्लाइन हुआ है ये इसमें विभिन्न इनके द्वारा दिखाया गया है, अलग अलग मछलियों के द्वारा टोटल. और इस प्रकार से इट इज डॉक्यूमेंटेड दैट टहरी डैम ऑन द भागीरथी एंड उत्तराखंड हैज बीन अफेक्टेड माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन ऑफ महसीर फिश. उत्तराखंड इज नाउ एम्बार्किंग ए डैम बिल्डिंग स्प्री. इट हैज मोर देन 330 डैम्स hydro projects in the operation under the construction or planning stages. The construction of the Tawa Dam on Narmada resulted in the reduction of water depth and loss of carp breeding in ground, spawning and feeding in the central stage. Embankment in Brahmaputra. Brahmaputra, approximately 4,000 km embankment have been constructed along the Brahmaputra. Some of the its major tributaries which reduce the fish production. According to SIFRI, 30% down of fish production has been noted. A dam on the river of Brahmaputra. And this the fish such as snow trout, catfish and loaches may be pulled into the intake and get killed. ये इन जो डैम बनाए जाते हैं इनसे इनकी मछलियों का ये होता है. थैंक यू.